नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। जब भी राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है तो महीने डेढ़ महीने पहले से ही राहु और केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि राहु और केतु शुभ है तो महीने डेढ़ महीने पहले से ही शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, और अशुभ है तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। अगले 18 महीने वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, इस बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु अभी तक आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से ये आपके लाभ भाव में एकादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। और यहां पर राहु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। ये लक्ष्मी भाव है, एकादश भाव, और यहां पर राहु सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं, किस्मत को पलटने का काम करते हैं। अगले 18 महीने वृषभ राशि वालों के लिए राहु जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, गोल्डन टाइम आपका रहेगा। लेकिन राहु अभी 30 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में मेष राशि में ही गोचर करेंगे, और डेढ़ वर्ष से बहुत नुकसान करवा रहे थे, बहुत खर्चे हो रहे थे, पैसा बच नहीं रहा था, मानसिक टेंशन देने का काम कर रहे थे, आर्थिक नुकसान करने का काम कर रहे थे। क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, विदेश का, और कहीं ना कहीं इस भाव से संबंधित नुकसान देने का काम कर रहे थे। आवक तो आपकी बनी थी लेकिन बचत नहीं हो पा रही थी, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा था क्योंकि बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा था। राहु 12वें भाव में बैठ करके कई लोगों के ऊपर तो केस करवा दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए, पैसा बर्बाद हो रहा है कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कई लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बीमारियों ने घर में जो है डेरा डाल के रखा है, और कई ऐसे खर्चे बनाने का काम जो है राहु अभी डेढ़ वर्ष से करवा रहे थे। यहां पर राहु बैठ करके पंचम दृष्टि राहु की आपके चौथे भाव में पड़ रही थी, और अभी पड़ेगी 30 अक्टूबर तक। चौथे भाव में पड़ने के कारण चौथा भाव आपका भूमि का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है और वाहन का है, सुख का है, और ये माता का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं माता को परेशान करने का काम कर रहा था, स्वास्थ्य माता की सेहत खराब करने का काम कर रहा था। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित परेशानियां पैदा करने का काम कर रहा था। यदि आपने प्रॉपर्टी निकाला तो बिक नहीं रही थी, सही दाम नहीं मिल पा रहा था, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे लेकिन मन की प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, वाहन का योग नहीं बन पा रहा था, वाहन में खर्चे बढ़ गए थे, ये सब समस्याएं देने का काम राहु अभी तक कर रहा था। और यदि आपके पास सब कुछ था तो आपको सुख नहीं मिल रहा था, क्योंकि राहु अशांति का कारक है और अशांति बनाने का काम कर रहा था। राहु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही थी, और यहां पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान थे, तो यहां पर मामा और मौसी के रिश्तों को खराब करने का काम कर रहे थे, ऋण चढ़ाने का काम कर रहे थे, कर्जा बढ़ने का यहां पर प्लान बना रहे थे, और कई लोगों का कर्जा भी बढ़ गया, रोगों को वृद्धि करने का काम कर रहे थे, कंपटीशन में असफलता देने का काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं नौकरी में भी समस्या देने का काम कर रहे थे। नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, मेहनत खूब कर रहे थे
और सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, कई लोगों के व्यापार में भी बड़ी दिक्कत देने का काम किया। अब ये जो भाव होता है ये कंपटीशन का होता है, नौकरी का होता है, तो कहीं ना कहीं जो है इन सभी क्षेत्रों पर राहु का बुरा प्रभाव बना हुआ था। राहु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही थी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, बड़ी व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, रुकावटों का होता है, तो कहीं ना कहीं हर कार्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे, परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे, ससुराल पक्ष के संबंधों को खराब करने का काम कर रहे थे, रिकवरी नहीं हो रही थी। किसी को यदि आपने पैसा दिया है तो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके पैसे बर्बाद हो गए, फिजूल खर्च हो गए, ये सारी समस्याएं जो है राहु देने का काम कर रहे थे। और केतु छठे भाव में बैठ करके रोगों में वृद्धि करने का काम, शत्रुओं को पैदा करने का काम कर रहे थे। वही केतु की पंचम दृष्टि की यदि हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके कैरियर के भाव में पड़ रही थी, तो कैरियर में मेहनत तो खूब कर रहे थे लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। आप ट्रांसफर चाहते थे और कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर चाहते थे लेकिन बुरी जगह आपका ट्रांसफर हो गया। कई लोगों ने नौकरी चेंज कर दिया, कई लोगों की नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, ये सब परेशानियां केतु देने का काम कर रही थी। केतु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही थी। जो लोग विदेश जाने वाले थे उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ी, विदेश जाने का कोई योग नहीं बन पाया, पैसे खर्च हो गए, व्यय हो गया, नुकसान हो गया, बीमारियों में पैसा जा रहा है। नवम दृष्टि केतु के आपके धन भाव में पड़ रही थी, धन हानि करवाने का काम कर रहे थे, रिश्तेदारों से संबंध खराब करने का काम कर रहे थे और आय से ज्यादा व्यय कराने का काम कर रहे थे। तो ये सब समस्याएं जो है राहु और केतु दे रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके एकादश भाव में लक्ष्मी भाव में गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर राहु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते और केतु एक आध्यात्मिक ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर भी ये आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब क्या क्या लाभ होंगे? लाभ भाव में बैठे हैं, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे और कई लोगों को बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और सफलता भी देने का काम करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ होगा। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करें जो स्वयं से जुड़ा हुआ हो और कला को निखारने वाला कोई काम हो तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम जो है राहु करने वाले हैं। इनकी सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम विवाह का होता है, तो इन क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे, संतान का योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, शिक्षा बढ़िया रहेगी, शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा का योग बनेगा और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इनसे जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ देने का भी काम जो है यहां पर राहु करते हैं और केतु भी इन्हीं क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। राहु की नवम दृष्टि की यदि बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन के भाव में राहु की दृष्टि पड़ेगी तो विवाह का योग बनेगा, प्रेम विवाह करवाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति और दैनिक आय में वृद्धि करवाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे और अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे। तो ये स्थितियां राहु की बनने वाली है 30 अक्टूबर 2023 से 2025 तक। केतु पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और नवम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे तो नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे,
स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और राहु को यदि और मजबूत करना चाहते हैं तो राहु के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो जरूर बदलाव देखने को मिलेगा, और यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो विशेष ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है उन लोगों को भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में खराब ग्रह दशा चल रही है, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है या मारक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी लगा सकते हैं और उपाय करने के बाद जो है अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।